Right, so you heard those reactions that have been coming in since the news poured in this morning. Prime Minister Narendra Modi announcing in an address to the nation. Let's listen in to Manjinder Singh Sirsa. बहुत बधाई देता हूं। ये एक ऐसा पवित्र दिन है जिसको पूरे दुनिया के धर्मों के लोग बड़ी पवित्रता से बड़ी शिवलास से मनाते हैं। ऐसे दिन गुरु नानक देव जी ने कीर्ति को बहुत बड़ा बताया है। उस कीर्ति की आज बहुत बड़ी जीत हुई है। गुरु नानक देव जी ने यहाँ तक कहा किरत करो, नाम जपो, वंड शको। जो वंड शकन की परंपरा थी वो किरत से आती है, पहला किरत करो फिर वंड शको, नाम जपो। ये जो तीनों प्रथाएं थी इसमें सबसे जो अहम थी वो थी कीर्ति की बात। आज कीर्ति की बहुत बड़ी किसानी की जीत हुई है। आज गुरु नानक देव पातशाह जी के प्रकाश पर्व वाले दिन ये पवित्र फैसला जो आता है, इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और ये किसानों के आगे हम नमन हैं जिनकी बहुत लंबे संघर्ष के कारण ये जीत प्राप्त हुई है। किसान आंदोलन की तरफ से जो बयान आया है वो ये कह रहे हैं कि जब तक सत्र नहीं हो जाता, वहाँ पेश नहीं हो जाता ये बिल वापस लेने के लिए, तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे। किसानों से आप क्या कहना चाहेंगे जो टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं? ये देखिए, किसानों ने तो उन्होंने अपना क्या फैसला लेना तो उनको पता है, पर मैं ये समझता हूँ कि जो आज प्रधानमंत्री जी ने गुरु नानक देव पातशाह जी के प्रकाश पर्व पर कह दिया, हमारे लिए बहुत बड़ी मेहनत रखता है, हमारे लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि वो उन्होंने गुरु नानक देव जी के इस प्रकाश पर्व को समर्पित होकर ये बात को आज रखा है। इसलिए कम से कम एक सिख होने के नाते मेरे लिए इसकी बहुत बड़ी अहमियत है और भावना है मेरे प्रति, मेरे में बहुत बड़ी इसकी अहमियत है। और मैं ये जरूर दावे से कह सकता हूँ कि ये जो बात गुरु नानक देव पातशाह जी के प्रकाश पर्व पे कही गई है, ये गुरु नानक देव जी ने खुद कृपा करके, उस गुरु नानक देव जी की कृपा हुई है हम सबके ऊपर। बिल्कुल, आपने कृपा की बात की, लेकिन राजनीतिक दल भी लगातार विरोध कर रहे थे सिरसा जी, उस विरोध को किस तरीके से आप देख रहे हैं? राजनीतिक दल भी अब सामने आएंगे क्योंकि वो लगातार सड़क से लेकर संसद तक अपनी आवाज उठा रहे थे। देखिए, विरोध कर रहे थे उसमें हम भी थे, विरोध कर रहे थे उसमें हम भी थे। विरोध करने का कारण ही ये किसानों के तीनों कानून वापस हुए हैं, लेकिन अब इनके ऊपर विरोध करने का कोई चित्त बचता नहीं, क्योंकि तीनों किसानों के बिल की वापसी को लेकर जो हम संघर्ष कर रहे थे, आज गुरु नानक देव पातशाह जी की कृपा हुई और ये वापस हुए। आप उन किसानों से क्या कहना चाहेंगे जो बॉर्डर पर बैठे हो, उनसे आप सीधे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो खुद आप मिठाई बांट रहे, जो मुझे वहाँ से जानकारी मिली है। हाँ। वो तो खुद वहाँ पे मिठाई बांट रहे हैं कि वो वहाँ से चले जाएं, अपने घरों को लौट जाएं। बिल्कुल, वो खुद ही वो घर बनाने थोड़ा आए वहाँ पे, वो घर बनाने आए हैं वहाँ पे, वो अपने घरों को लौट जाएं, अपने घरों को लौट जाएं। वो बिल्कुल लौटेंगे घरों को, इसीलिए तो आए थे। आज जब प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट कर दी कि मैं तीनों कानून वापस ले रहा हूँ, तो वहाँ कोठी बनाने तो आए नहीं, तो इसी लड़ाई को लड़ने आए थे, उनकी जीत हुई, अपने घर को वापस जाएंगे। पंजाब चुनाव भी है, चुनाव से जोड़कर भी देखा जाए क्या? नहीं, चुनाव से जोड़कर तो हर चीज को देखा ही जाता है इस देश में, इसमें कोई शक नहीं है, और हर चीज के चुनाव में मैंने होते भी हैं। साथ ही ये समझना चाहेंगे कि मंडी तक जो तमाम विरोध था कि एमएसपी नहीं मिलेगी, मंडी में सही दाम नहीं मिलेंगे, क्या वो मांग भी एक नए सिरे से रखी जाएगी अब तो केंद्र सरकार के सामने? उन्होंने कहा है, जो मैंने उनकी स्पीच में सुना, उन्होंने ये कहा कि एमएसपी को लेके भी कमेटी बनाकर उसके ऊपर भी, जो सबकी राय लेकर एक कमेटी, उसके ऊपर भी एमएसपी के ऊपर भी इसका विचार किया जाएगा किस तरह से लागू होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, देखिए, वो सारी चीज़ें एक के साथ दूसरी जुड़ी हुई है। सबसे पहले ये चीज़ जुड़ी है कि क्या ये जो काले कानून लाए गए, ये वापस होने से ही अगले रास्ते खुलते थे, वरना रास्ते खुलते ही नहीं थे। चलिए, यहाँ पे मनजिंदर सिंह सिरसा साफ तौर से कहते हुए कि जिस तरीके से इस फैसले को वापस लिया गया है, किसानों में खुशी की लहर है। बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनसे भी अपील करते हुए वो नजर आए। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ पंकज जैन। Manjinder Singh Sirsa over there welcoming the announcement which has been made by Prime Minister Narendra Modi.